किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं, ये कहना है कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया का। जन टीवी से खास बात करते हुए कटारिया ने कहा कि चाहे गौवंश का मामला हो या फिर किसानों से जुड़ा मामला, इस सरकार ने इस वर्गों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। गहलोत सरकार का एक और बड़ा कदम, गहलोत सरकार ने इस कार्यकाल में कई बेहतरीन फैसले किए और बेहतरीन फैसलों में किसानों के लिए बड़े फैसले हुए हैं। राजधानी जयपुर में आज से 3 दिवसीय किसान सम्मेलन शुरू हुआ और खास तौर पे पहले दिन लंपी से जो गाय मरी थी उनके जो पशुपालक थे उनको सहायता मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। मेरे साथ इस वक्त पशुपालन कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हैं। लालचंद जी, एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री जी का आपका, क्योंकि लंपी जो रोग था, बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में गायें मरी थी और पशुपालक उससे कहीं ना कहीं एक आर्थिक बोझ उस पर था, किस तरह का उसको प्रोत्साहन मिला है इस जो राशि आपने 40-40 हज़ार रुपये आज सम्मेलन के माध्यम से दी? देखिए, पिछले 3-4 साल से पूरे देश में और दुनिया में, एक पहले कोविड आया तो कोविड में चाहे वो शहर में रहने वाला व्यक्ति हो और चाहे गांव में रहने वाला, कोविड से बुरी तरह आर्थिक रूप से मार पड़ी, सब कुछ बंद हो गया था। कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ और जो दिनचर्या शुरू हुई उसके बाद में लंपी आ गई, तो लंपी ज़्यादातर उसने गोवंश को प्रभावित किया। मतलब आप ही मानिए 100% लंपी में हमारी गौ माता प्रभावित हुई और ज़्यादातर लोग गाँव में गाय का दूध सबसे बढ़िया मानते हैं। हर घर में गाय रहती है, गाय को पूजते भी है, गोघास भी देते हैं, तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ पुराना ये हिस्सा रहा है गौ माता। तो गाय को बचाने का काम फिर मुख्यमंत्री जी ने जैसे कोविड का प्रबंधन किया वैसे ही गाय को बचाने का काम किया। आपात बैठकें भी ली, टीकाकरण भी हमने करवाया, जो देसी उपचार थे वो भी हमने किए। चुनावी साल है और चुनावी साल में अब 4-5-6 महीने का वक्त बचा है, जब चुनाव आते हैं तब विपक्षी दल खासतौर पे बीजेपी को गाय भी याद आती है, मंदिर भी याद आती है, तमाम चीज़ें याद आता है। आपको क्या लगता है कि गाय के लिए जो अनुदान आपने गौशालाओं को दिया है उस अनुदान से इस बार गायों की स्थिति, गोवंश की स्थिति बेहतर हुई है राजस्थान में? मैं बता रहा हूँ ना कि आज मंच पे राजस्थान के हमारे जो संत महात्मा थे वो लोग भी ये कह रहे थे कि बात करना अलग बात है, वोट लेना एक अलग बात है, राजनीति करना अलग बात है, अपने मुंह से किए हुए वचन को नीचे निभाना, वो राजस्थान की पहली सरकार है। अभी तीनों चारों जो संत महात्मा थे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आपने जो काम किया वो ऐतिहासिक, जो गोवंश के लिए किया है, हमारे यहाँ 1,39,00,000 गोवंश है और जो गौशालाएँ हमारी है जिसको लोग आवारा पशु कहते हैं पर वो बेसारा है, हम उसको आवारा नहीं कहते क्योंकि गौ माता हमारी संस्कृति से जुड़ा पुराना हुआ है। तो जो बेसारा गायें थी उन गायों की सुध लेने के लिए, क्योंकि बेसारा कभी कुछ खाने के लिए किसके खेत में, फिर वो उधर से दौड़ा था दूसरे खेत में, तो ये जो गौशालाओं का कंसेप्ट करके उनको जो ताकत दी है, उनका जो स्ट्रेंथ किया, उसके परिणाम है कि आज पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी गौशालाएँ हैं उनमें गोधन बिल्कुल सुरक्षित है और जैसी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो थे उनमें लाके छोड़ने के बाद में तंदुरुस्त भी है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये जितने भी योजनाएं हैं अनुदान और आदान की, इन योजनाओं के माध्यम से भी हम किसानों को लगातार वो करते रहते हैं कि ताकि इनको सपोर्ट रहे। तो ये कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया हमसे जुड़े हुए थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों की बेहतरी के लिए राजस्थान सरकार काम कर रही है और ये काम लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ दशरथ सिखा, जनटीवी जयपुर।